तो यहाँ पे मैं एक पोर्ट्रेट लेके आया हूँ मोस्ट अवेटेड महेंद्र सिंह धोनी। तो यहाँ पे मैंने आउटलाइन जो है वो पहले से करके रखा हुआ है और उसको भी मैंने इरेज किया 80-90%, इसलिए कि चारकोल पेंसिल से करने वाले हैं और चारकोल ग्रेफाइट पे उतना ज्यादा वर्क नहीं करता है, तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो पोर्ट्रेट ड्रॉइंग है ना, ये अकॉर्डिंग टू लाइट होने वाला है और इसमें शेडिंग टेक्निक आपको पता चलेगा। तो चारकोल पेंसिल मैंने आपको बताया, तो जनरल का चारकोल पेंसिल है और ये पेपर जो है वो ब्रूस्टो का 200 GSM। तो यहाँ पे मैं आउटलाइन स्टार्ट कर चुका हूँ क्योंकि एक फेयर आउटलाइन करना है आपको, साथ साथ में हम लोग थोड़ा शेडिंग भी करेंगे। तो आई जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, आई ब्रो भी कंप्लीट हो चुका है, नोज भी कंप्लीट हो चुका है, ये सिर्फ आउटलाइन कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे धीरे धीरे एक एक जो पार्ट है ना उसको पहले कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद और शेडिंग टेक्निक कौन कौन सी होती है, वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, हैचिंग होती है, क्रॉस हैचिंग होती है, स्कम्बिंग टेक्निक होती है। तो यहाँ पे जो हम लोग करने वाले, पहले हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग पहले हैचिंग के थ्रू। तो हैचिंग के थ्रू जैसे जैसे इसका फेस का जो अलाइनमेंट है ना, तो उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। जैसे नोज़ है, नोज़ के पास देख रहे हो, रेफरेंस भी मैंने बगल में इसलिए रखा है कि आपको प्रॉपर चीज़ें विजिबल हो, जैसे कहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, मीडियम टोन है, लाइट टोन है। तो ये पोर्ट्रेट मैंने इसलिए लिया है कि जिसमें आपको प्रॉपर आपको लाइट डायरेक्शन पता चल रहा है, एक आपको मिड टोन जो कि फिल लाइट होता है और एक शेडो भी प्रॉपर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी ब्लेंडिंग करेंगे। तो ब्लेंडिंग जो है, वैसे तो आप टिश्यू पेपर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पेपर स्टैम्प। इसका रीज़न ये है कि पेपर स्टैम्प जो है ना, ये मेंटेन रखता है डार्कनेस। टिश्यू पेपर में फिर भी बहुत सारा ऑब्जर्व कर लेता है और कभी कभी उसके जो पार्टिकल्स है वो पेपर पे रह जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें प्रॉब्लम मुझे पेपर स्टैम्प के साथ कभी नहीं दिखने को मिलता है। वैसे तो ब्रश भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रश भी यूज़ करेंगे, लेकिन जब हमको ब्लेंड करना होगा और थोड़ा स्मर्ज ज़्यादा करना होगा हर जगह, और जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड शेडो चाहिए या डार्कनेस चाहिए ना, तो वहाँ पे मैं पेपर स्टैम्प यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि एक एक करके, जब ग्रेफाइट पेंसिल से हम लोग करते हैं तो उसमें भी लेयरिंग होती है, यहाँ पे भी चारकोल में भी हम लोग करने वाले हैं। पहला मैंने जो किया था वो 2B पेंसिल था, अभी जो किया मैंने 4B पेंसिल। तो 4B पेंसिल में अभी दूसरा लेयर जो मैंने रखा है वो डार्केस्ट पॉइंट है, जहाँ पे नोज़ के पास देखोगे, यहाँ पे आपका चिन के पास है या फिर फोरहेड के पास है। तो ये जो डार्कनेस है हमें मेंटेन करना है, और वही जो आप पेपर स्टैम्प है उससे ही हम लोग कर रहे हैं। और ये जो लेफ्ट आई जो है वो डार्कनेस में है, मतलब कि शेडो में है, और राइट आई जो है वो आपको लाइट में, तो उसको आपको खासा ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी आप पेपर स्टैम्प यूज़ करें ना, तो लाइट पे जहाँ पे आप यूज़ करें ना, तो वहाँ पे आपको क्लीन यूज़ करना है। क्लीन मतलब कि आप समझ लो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, तो आपको एकदम हल्का करना है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना कि ब्रश का यूज़ करेंगे, तो ब्रश का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं कि जहाँ पे डार्क बहुत ज़्यादा है और जहाँ बहुत ज़्यादा लाइट है, तो वो मेंटेन करता है। तो एक अच्छा सा ब्लेंडिंग जो लाइट इफेक्ट होता है ना, वो आपको मिल जाता है उससे, जो आप नॉर्मल पेंटिंग ब्रश भी ले सकते हो या फिर आप मेकअप ब्रश ले सकते हो। तो यहाँ पे एक और पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, वो भी स्टेडलर का ही है। तो यहाँ पे जो देख रहे हो कि जो ये पेंसिल जो है ना, ये एकदम कंपैटिबल है चारकोल पेंसिल का। अगर यही आप स्टेडलर का ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करोगे तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी चारकोल है, चारकोल से डार्क ज़्यादा ग्रेफाइट पेंसिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेडलर का जो पेंसिल यूज़ किया है वो है ब्लैक, और ये ब्लैक बहुत ज़बरदस्त है। इसकी जो डार्कनेस है ना, इसका कोई जोड़ नहीं होता है, और इसके लिए ही मैं यूज़ करता हूँ जहाँ पे डार्क सबसे ज़्यादा रखना हो। जैसे कि आप आईबॉल देखते हो, वहाँ पे डार्कनेस चाहिए, शेडो जैसे कॉन्टैक्ट शेडो होता है वहाँ पे चाहिए, तो इन सब के लिए मैं वहाँ पे यूज़ करता हूँ, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। वैसे यूज़ करने के लिए तो आप चारकोल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक ट्राई कर रहा था। और आप यहाँ पे जैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप चारकोल पेंसिल ही यूज़ किए, क्योंकि आपके पास 2B पेंसिल होता है, 4B पेंसिल होता है और 6B पेंसिल होता है। और ये जो प्रोडक्ट मैं जनरल का लेके आया हूँ वो डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल रहा है, जैसे 675 इसका एक्चुअल रेट है, लेकिन आपको 490 अराउंड 500 में वो आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मैंने शेयर किया, आप जाके वहाँ से बाय भी कर सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ना, ये इसमें डिस्काउंट कभी बहुत रेयर होता है, तो वो आप ले सकते हो। और यहाँ पे देख रहे हो ना कि एक एक करके एक एक पोर्शन जो है ना, देखो आप साइड बाई साइड रेफरेंस को भी रखते हो ना, तो वो आपको पता चलता है। और इसके लिए मैं एक आपको सजेस्ट ये करूँगा कि जब भी आप ड्राइंग करो ना, तो हर एक घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद ना, 5 मिनट्स के लिए या 2 मिनट्स के लिए आप उठ के जाओ, वापस आके जब आप अपनी ड्राइंग देखोगे ना, तो दोनों में रेफरेंस में और आपका जो ड्राइंग करो उसमें डिफरेंसेस होंगे, उसको आप करेक्ट कर लेना।
तो आज का जो हमारा पहला ट्यूटोरियल है दो पार्ट में मैंने बांट के रखा है। पहला ट्यूटोरियल है जिसमें मैं आपको कंप्लीट फेस जो है ना फेस की शेडिंग बताऊंगा। मैं हेयर की शेडिंग हम लोग कल करेंगे, क्लॉथ की भी शेडिंग कल करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक एक हेयर जो है ना, जैसे आईब्रोज हैं उसके भी आईब्रोज के जो हेयर्स होते हैं ना एक्स्ट्रा, वो आपको दिखाने होते हैं जिससे नेचुरल लुक आता है। तो जब भी आप पेंसिल यूज़ करो ना तो वेल शार्पन होना चाहिए, तो वहाँ पे आप इफेक्ट अच्छा से लेके आ सकते हो। वैसे ग्रेफाइट पेंसिल से जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसका चारकोल वर्जन नहीं आता है। तो यहाँ पे जो भी चारकोल पेंसिल है उसको आप यूज़ कीजिए। नॉर्मल अगर आप शार्पनर से शार्पन करते हो ना तो क्या होता है ना कि वो टूटता है, तो इसके लिए आपको मैकेनिकल शार्पनर लेने की ज़रूरत पड़ेगी। उसको भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा, वहाँ पर भी जाके आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पेंसिल जितने भी यूज़ की ना बहुत प्रीसियस है। अब 150 की पेंसिल आती है, अगर आप नॉर्मल शार्पनर से करोगे तो टूटता जाएगा और पूरा 150 आपका वेस्ट चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप एक इन्वेस्ट कीजिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है 500 का, और वहाँ पे आप मैकेनिकल एक शार्पनर लाइए और अपने पेंसिल और अपना टाइम को भी सेव कीजिए। तो यहाँ पे एक एक जो टेक्सचर है, टेक्सचर भी हम यहाँ पे देंगे, और जैसे मैंने आपको बताया कि आप चारकोल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो नॉर्मल टेक्सचर देने होते हैं ना, तो वहाँ पे आप 2B पेंसिल जो कि चारकोल, जनरल चारकोल पेंसिल में आता है, क्योंकि ये जो मैंने आपको 490-500 का जो प्राइस बताया, इसमें आपको तीन पेंसिल मिलते हैं, 2B, 4B और 6B। ये तीन आपको मिल गए चारकोल पेंसिल, इसके साथ वाइट चारकोल पेंसिल मिल जाता है, और उसके साथ एक फ्री मिलता है आपको नीडेबल इरेजर। तो ये कॉम्बो पैक बहुत बेहतरीन है, वो आपको आपके पास होना ही चाहिए। तो मैंने तो 2-3 पहले ही ऑर्डर करके रख चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि अब जहाँ से लाइट आ रही है, हाईलाइट आ रही है ना, तो वहाँ पे जैसे हम लोगों ने हर जगह ब्लेंड किया था, तो हाईलाइट एरिया को भी हमें इरेज करना है। इरेज करके आप कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहोगे तो वाइट चारकोल पेंसिल भी आपके पास, उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो इसके लिए हम इरेज करके भी वो इफेक्ट लेके आ सकते हैं। आपके पास मोनो इरेजर है तो यूज़ कीजिए, या फिर सस्ते में आपको 25 रुपीज़ में डोम्स के भी मैकेनिकल शार्पनर्स है ना, वो भी आते हैं, तो वो भी आप ले सकते हो यहाँ पे, और वो भी उसको शार्पन करके एकदम टिप जो है उसको पतला सा 0.2 mm जो है वो आप रिजल्ट लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक एक हाईलाइट जो है ना, और इसके लिए ना आपको एब्जॉर्व करना पड़ेगा रेफरेंस को, और ऑल दो रेफरेंस जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होते हैं। कॉन्ट्रास्ट मीन्स कि आपको ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी कि अगर आप कंपेयर करोगे तो हमारा जो पेपर है ना उसकी ब्राइटनेस और उसका जो हाईलाइट है जो धोनी के आप फेस पे देख रहे हो कि जहाँ से लाइट सोर्स आ रहा है ना, वो इतना ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि वो कहते हैं कि पिक्चर इफेक्ट। अगर आपको स्लो वर्जन चाहिए तो इस वीडियो के बाद एक और वीडियो होगा, उसको ज़रूर देखिएगा। तो जब भी हम मोबाइल में देखते हैं या फिर आप स्क्रीन पे देखते हो ना, तो उसमें ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा दिखती है, क्योंकि हमारा पेपर का भी ऑफ वाइट दिख रहा है यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग कंसीडर करेंगे कि हम लोगों ने सेम इंटेंसिटी मेंटेन की है। तो ये कुछ ऐसे है, और कॉन्ट्रास्ट भी हमारा बहुत ज़्यादा ही है अगर देखा जाए तो पिक्चर क्वालिटी जो है वो ज़्यादा रहती है, ऑलमोस्ट ज़्यादा ही रहती है जो हमारा कॉन्ट्रास्ट है। तो आज का ट्यूटोरियल हमारा इतना ही था, कल के दिन हम लोग देखेंगे किस तरीके से हेयर, क्लॉथ और कंप्लीट जो पोर्ट्रेट है हमारा हम कंप्लीट करेंगे। तो ये ट्यूटोरियल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और स्लो वर्जन वीडियो के लिए अब आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो YouTube पे जाके आपको टाइप करना है स्केचबुक बाई अभिषेक, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। चैनल ओपन होने के बाद आपको कई सारे वीडियो दिख जाएंगे, तो उस वीडियो में से कोई भी एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक टाइटल बार, जहाँ पे उसका टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे डे वन वगैरह लिखा हुआ है, ड्राइंग फॉर बिगनर्स लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि अब तो 29 रुपीज़ से भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ज्वाइन बटन, और उसमें आपको पेमेंट कर देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोज़ को। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।